आर्मी ऑक्शन, गवर्नमेंट ऑक्शन, प्राइवेट ऑक्शन और कस्टम ऑक्शन का बहुत बड़ा ये यार्ड है। इसको आप वर्कशॉप भी बोल सकते हो, यार्ड भी बोल सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए जो आर्मी ऑक्शन, गवर्नमेंट ऑक्शन या किसी भी प्राइवेट ऑक्शन की गाड़ियां या जीपे लेने में इंटरेस्ट रखते हैं, और ना सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं उनको बल्कि रीस्टोर भी करवाते हैं। लोकेशन मैं आपकी सारी समझा दूँगा कि मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम। यहाँ पर गाड़ियाँ बिकती भी हैं इस टाइम भी, जिसने लेनी है वो आके पूछ सकता है। ज़्यादातर यहाँ गाड़ियाँ हैं वो लोग जिस तरह किसने ख़रीद ली तो वो तैयार करवाने के लिए इनको दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर उस दौरान आप अच्छी ऑफ़र कोई लगा दोगे और आप सीरियस नज़र आओगे उनको, तो वो ओनर से पूछ लेंगे कि भाई ये गाड़ी फॉर सेल है या नहीं है। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों उस गाड़ी से। लोकेशन मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर 4x4 ही जीप्स हैं, पावरफुल 4x4 डीजल जीप्स हैं। ज़्यादातर जीप्स आर्मी ऑक्शन की, गवर्नमेंट ऑक्शन की, प्राइवेट ऑक्शन की। जिस तरह ये वाली किसी बंदे ने दो थी, तीन थी, उसने किसी को अखबार में ऐड लगाया, वैसे ऐड लगाया तो भेज दी, ठीक है। ये वाली आती हैं जिनको नंबर लगा है, प्राइवेट ऑक्शन वैसे होती है। ये भी आर्मी ऑक्शन है पीछे से, मगर वैसे इसको हम बता कहते हैं कि ये आर्मी के बाद जब, जाहिर सी बात है, एक हाथ दूसरे हाथ तीसरे हाथ बिकी तो वो फिर प्राइवेट बंदे ने बेची है, वो फिर ये क्या आर्मी ने डायरेक्ट नहीं बेची उस टाइम। लोकेशन दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, कमेंट ज़रूर कर देना, आपका हर कमेंट पढ़ा जाता है, जवाब भी दिया जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ी लोकेशन है। इस टाइम में भी माल यहाँ शॉर्ट है, ये इस टाइम जो मैं आपको माल दिखाऊंगा ये शॉर्ट है, ठीक है। ये नहीं है कि भरी हुई है, वरना ये वर्कशॉप भरी होती है। वर्कशॉप का नाम है मीन मशीन, इनका फेसबुक पर भी पेज है, आप लाइक कर देना, मीन मशीन, MEANMACHIN, ठीक है, मीन मशीन इनका नाम है। ये शहर लाहौर में है ये वर्कशॉप। अब ऐसी जगह आपको पता बड़ी कम रह गई हैं, ऐसी लोकेशंस जितनी भी हैं, ख़ास खास चीज़ें हैं, मैं आपको प्राइस नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हर गाड़ी फॉर सेल नहीं है, ये आपने आके ख़ुद ही पूछना है। और नंबर कोशिश करूँगा ऐड कर दूँ, अगर नंबर मैं ऐड नहीं करूँगा तो समझ लेना कि ये यहाँ तो ये गाड़ियाँ बिक गई हैं या ओनर ने मना कर दिया, ठीक है जी। अब इतना लंबा भाषण देने के बाद शुरू करते हैं जी लोकेशन से। इस टाइम मैं हूँ लाहौर में भट्टा चौक से आगे, अगर आप जाते हो बेदियाँ रोड पे, ये बेदियाँ रोड है, ये सारी बेदियाँ रोड है, ठीक है, उस तरफ भट्टा चौक है और ये यहाँ से सीधी आ रही है, आगे वो रिंग रोड का आ जाता है। और इधर ये इस जगह पर ये सारी की सारी, ये देख रहे हो आप, ये सारी इधर वर्कशॉप एरिया है। मीन मशीन इनके ब्रांड का नाम है, आप फेसबुक पर लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब पर भी है इनका चैनल, ये काफ़ी लगाते रहते हैं ऑफ रोडिंग की वीडियोज़, ज़रूर देखिएगा। ये वाली गाड़ी है, ये मोस्ट प्रॉब्ली आप इसका आके पूछ लेना, ये मेरे हिसाब से लाजमी फॉर सेल होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा कि जो सीरियस हमें लगेगा हम उसको ही बताएंगे और उसी से बात करेंगे, क्योंकि लोग आ जाते हैं अक्सर, जी है फॉर सेल ये वो, अब चीज़ का 10 लाख मांग रहे हो, वो 3 लाख या 4 लाख का टोकन कराते हैं तो वो फिर अगला बुरा मनाता है, और बात भी ठीक है यार। और दूसरी बात ये, जिसने भी लिए गाड़ियाँ ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं, ये शौक के लिए लिए हैं, ठीक है, जो है वो हमें नहीं पता जो उसके जहन में है, तो जहर सी बात है वो बंदा लॉस में नहीं देगा, आपको प्रॉफिट में देगा। अब सस्ती है महंगी है, कहीं भाई कहते हैं यार ये ऑक्शन में भी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सस्ती है महंगी है, कहीं भाई बुरा मनाते हैं जी आप इतनी महंगी चीज़ें क्यों दिखा रहे हो, तो भाई मैं यहाँ सिर्फ आया हूँ वीडियो बनाने, मैं यहाँ सस्ता महंगा नहीं करने आया, ना मैं फेक थंबनेल मैंने कोई फेक नहीं इसमें यूज़ किया, जैसे चंद फ्राडी ये यूज़ करते हैं कि सस्ती तरीन गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ लाखों में, इस तरह के फ्रॉड लगाते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है। लोकेशन सारी समझा दी, ये वाली 4x4 बड़ी पावरफुल है, ये जीप है और ये भी आर्मी ऑक्शन की है, बड़ी रेयर है ये वाली भी गाड़ी। इसका नाम पता नहीं क्या, मुझे पहले पता था, अब मैं पिछली दफ़ा जब आया था इधर वीडियो बनाने तब भी एक ये खड़ी हुई थी, पता नहीं उन्होंने क्या नाम बताया था, मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर किसी को नाम पता है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बड़ी पावरफुल, बड़ी रेयर ये जीप है, शोर होगा रोड का यार, उसके लिए माजरत। ये जिसने भी लेनी है, अगर कोई इंटरेस्ट रखता है, सीरियस है, तो ये ज़रूर दे देंगे, ठीक है जी। ये भी रिस्टोर नहीं हुई, कितने पैसे लगने हैं ये आपने ख़ुद देखना है, आपने इसका हिसाब किताब लगाना है। चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। बड़ी जिसे कहते हैं ना, काफ़ी इसकी लेंथ है, लेंथ अच्छी खासी है इसकी, जो कि आजकल की जीपों की कमी आ रही है, ज़्यादातर ये स्मॉल साइज़ SUVs आ रही हैं, पहले देखो कितने लंबे लंबे साइज़ की आती थी गाड़ियाँ,
वो उधर से शुरू हो रही है, वो ट्रक है पूरा और ये यहाँ तक ख़त्म हो रही है। फिर आ जाती है ये वाली, ये भी काम होने आई है, मगर वही बात है अगर कोई अच्छी ऑफर लगाएगा तो ये उसको दे देंगे, ठीक है। ये मट्टी और मट्टी है, स्क्रैप मैं नहीं कहता, ये BMW है, बड़ी ख़ास गाड़ी है। और ये फिर जीपें हैं दो, ये भी पूरी फुली रीस्टोर है, ये जिसकी हैं ये पता नहीं बेचते नहीं बेचते इसका मुझे नहीं पता, ठीक है जी। ख़ास खास स्पेशल गाड़ी हैं, इसलिए ये है कि ध्यान से देखिएगा जी। और ये जी बड़ी स्पेशल किस्म की मर्सिडीज़ है, ये भी आप आके पूछ लेना। लास्ट टाइम एक मैं आया था इधर, एक भाई थे, उन्होंने बड़ी ख़ास वो कतर ऑक्शन की थी, उन्होंने कहा मैंने नहीं बेचनी गाड़ी, उनको बड़ी अच्छी ऑफरें भी लगी थी और मैं उस टाइम यहाँ मौजूद था, एक दो और लोग भी आए थे पूछने, उन्होंने कहा मैंने नहीं बेचनी, ठीक है जी। ख़ास खास गाड़ियाँ, ख़ास दिन, वो वाली गाड़ी, फिर आ गई ये BMW, फिर आ गई जी ये दो, ये FJ BJ और ये जो है डिफेंडर है, ये दोनों आर्मी ऑक्शन है। ये क्योंकि आर्मी ऑक्शन जीप्स के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब जीप्स के, आर्मी ऑक्शन हो या गवर्नमेंट ऑक्शन हो। फिर ये वाला ये देख रहे हो, ये गवर्नमेंट ऑक्शन की है मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। फिर वो वाली गाड़ी, ये वाली प्राइवेट ऑक्शन की है, ये एस क्लास मेरा ख्याल है, एस नहीं है ये दूसरी है बड़ी, ये भी स्पेशल किस्म की लेंथ वाली गाड़ी है। ये पीछे से दिखाते हैं ये भी आपको, पूरी डिटेल में मैं दिखा रहा हूँ। हाँ एस क्लास ही है, 280S। अच्छा मुझे लग रहा था ई क्लास है, ये भी नंबर लगा हुआ है। किसी ने जीप का काम भी करवाना हो, कोई स्पेयर पार्ट पूछना हो, इनसे मंगवा सकता है, ये भी आपको फैसिलिटी है, इनके पास स्पेयर पार्ट भी होते हैं। चलते हैं अगली गाड़ियों की तरफ, वो भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये हैं जीप के स्पेशलिस्ट हैं, जीप के एक्सपर्ट हैं 4x4। ये डाला हाइलिक्स का, इधर से चलते हैं आगे की तरफ। इस तरह ना गाड़ियाँ आती रहती हैं काम होने भी, ये देख रहे हो ये काफ़ी बड़ी जगह है, ये भी काम होने आई है। ये एक निसान पेट्रोल स्पेशल किस्म की, ये वाली, इसका आप पूछ सकते हो आके। ये देख रहे हो ये भी काफ़ी हैवी ऑफ रोडिंग का डाला बनाया इन्होंने। फिर वो वाली, वो उस तरह की मैं लास्ट टाइम आया था, वो वही है जो वहाँ खड़ी हुई है, तो ये खड़ी हुई थी जब मैं लास्ट टाइम आया था, अभी भी है ये, और ये वही है मेरा ख्याल है जो उधर खड़ी है। डाला देख रहे हो काफ़ी स्पेशल किस्म का है, फुल अपलिफ्ट कराया हुआ है, फुल टाइम मज़े। देख रहे हो हर तरफ इधर यही है सारा कुछ। अभी आपको इसमें बता रहा हूँ, बने रहिएगा, एक बड़ी ख़ास चीज़ भी आगे दिखानी है जो मैंने आज तक वाकई नहीं देखी, और पर्पज़ आपने मुझे उसका ख़ुद बताना है कि उसका पर्पज़ क्या है। आर्मी ऑक्शन बड़ी ख़ास, वेरी रेयर, किसी वर्कशॉप पे मेरी गारंटी है ये आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है जितना मैं भी फिरा हूँ। ये वो चीज़ है दोस्तों, ये कवर में है, अभी इसका कवर हटवाएँगे, अंदर एक खड़ी है जिसका कवर नहीं है, वो आपको दिखाएँगे। ये टैंक है, अभी खैर राज ही रखते हैं। ये भी फिर इधर, ये देख रहे हो सामान चमान इधर पड़ा है इनके पास। ये है जी जीप, बड़ी हैवी किस्म की है, बहुत ऊंची है, वैसे आपको देखने में लग रही है कि छोटी है, वो देखो ना जी वो खड़ी है, और ये देखो कितनी ऊंची है। तो ये भी ये है कि अपनी मर्ज़ी से दोस्तों, मैं प्राइस मॉडल मैं कुछ नहीं बता रहा, ठीक है, सिर्फ मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको बताया, जो अपनी आपकी हमारी कमिटमेंट है। देख रहे हो कितने इसमें ट्रक के टायर लगाए हुए हैं, सही हैवी सस्पेंशन भी इसमें लगाई हुई है, क्योंकि दोस्तों इधर गाड़ियां जीपें काफ़ी हैं, और अभी ये कम है, ये जब भरा होता ना तो भी आपकी सोच है फिर कितनी इधर जो है शुगल मेला होता है गाड़ियों का पूरा, जिसे कहते हैं ना,
ये वो वाली ये दिखा दी है मैंने, ये साइड सारी दिखा दी है, कवर कर दी है। ठीक है जी, अब चलते हैं। ये देखो बड़ी ख़ास, इसमें भी सस्पेंशन सामान लगा हुआ है। देख रहे शॉक शूक उसके, ये इस तरह है, ये भी फिर पेट्रोल। ये ख़ास चीज़ है, इसका बोनट ही बड़ा ह्यूज है, ह्यूज बोनट है इसका। देख रहे हो ह्यूज कार है, इधर से शुरू हो रही है उधर तक ख़त्म हो रही है। फिर ये भी काम होने आई है, ये तो फिलहाल काम होने आई है, चली जाएगी। ये इसकी बात कर रहा हूँ, बहुत ही हैवी किस्म का भाई है ये, चौड़ा बड़ा यार। मैं अब आपको उस तरह दिखा, शायद आप फिज़िकल देखो ना इसको आके, तो आपको लग पता जाए कि काफ़ी चौड़ी और ये बल्कि है। देखो ना ये पेट्रोल इसके सामने कितनी छोटी लग रही है, और ये काफ़ी चौड़ी है। फिर आ जाते हैं जी अंदर, ये इधर, ये भी निशान नवारा, ये भी इसका